नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो D3 पेटेंट बेस या D3 जो पेटेंट है जो मैंने बनाया है, या कुछ पेटेंट जो मैंने एक्चुअली D3 में ही रखे हैं, और D3 में इसलिए हैं वो क्योंकि इलेक्ट्रोमोपैथी के जो एक फिक्स पेटेंट बना देना, हालांकि बन सकते हैं लेकिन बिल्कुल एकदम फिक्स पेटेंट बना देना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग रेमेडी इधर उधर करनी होती है। तो यहाँ पे क्या इसमें एक आध रेमेडी इधर आगे पीछे ऐड करके हम मैक्सिमम डिजीज को हमारे जो D3 पेटेंट बेस हैं उनसे क्योर कर सकते हैं। फिलहाल ये 5 D3 बेस ऐसे हैं मेरे, EH1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके अलावा फिर डिजीज वाइज अवेलेबल भी हैं, और पेटेंट मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप देख लेंगे उसको। EH1 और EH2 पे वीडियो में बना चुका हूँ, आज हम EH3 की बात करेंगे जो पेटेंट नंबर 3 है। इसको बहुत सारी जगह आप यूज कर सकते हैं, उनमें से कुछ मैं बताऊंगा। और जैसे पहले वाले पेटेंट है उनको भी 25 से ऊपर डिजीज पे यूज किया जा सकता है, ऐसे इसको भी 25 से ऊपर डिजीज पे यूज किया जा सकता है, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। जैसे हाइपोथायराइड में अगर आपको देना है, ठीक है, हाइपोथायराइड मतलब जहाँ पे TSH बढ़ा हुआ अगर आपको नजर आए, तो आप EH3 को D10 में बनाइए। D10 ब्रांड का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, 30 ml में 10 ड्रॉप ऐड कर दो। हालांकि ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव चीजें नहीं है, मतलब साइंटिफिक रूप से हम इसको नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली हम मान के कि भाई हम एक लाइटर प्रिपरेशन हमने तैयार कर लिया, 9 to 10 ड्रॉप हमने ऐड करके 30 ml में एक बोतल ली हमने। और सपोज सपोज करिए हमारे पास ये एक बोतल है, ये खाली बोतल है, और ये हमारे पे EH3 है। तो हम क्या करेंगे, इस खाली बोतल में 30 ml डिस्टिल वाटर प्रिपेयर करेंगे और EH3 की 10 ड्रॉप इसमें ऐड कर देंगे। EH3 की 10 ड्रॉप ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे D3 से एक ड्रॉप डालेंगे C1 की और एक ड्रॉप डालेंगे B की, एक या दो ड्रॉप बस, इससे ज्यादा नहीं, एक या दो ड्रॉप C1 की, एक या दो ड्रॉप B के डालेंगे, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करके दे देंगे तो आप देखेंगे कि ये TSH लेवल को धीरे धीरे कम करता चला जाएगा। ऐसे ही किसी को वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब नोजिया टाइप हो रहा है या वोमिटिंग भी हो रही है, तो भी आप इसको D6 में बनाएंगे, EH3 को D6 में बना के 30 ml में, और उसमें ऊपर से 3 ड्रॉप SE11 की और 3 ड्रॉप C15 की ऐड कर देंगे। SE11 की 3 ड्रॉप, 3 ड्रॉप C15 की ऐड करके मिक्स करके दे देंगे, तो ये वोमिटिंग में हेल्प करेगा। ऐसे एंग्जाइटी अगर किसी को हो रही है तो एंग्जाइटी में हम ध्यान रखेंगे, इसको हम बनाएंगे D6 में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो D10 में भी बना सकते हैं। एंग्जाइटी में आप इसको D6 में बनाएंगे 30 ml में, और उसी 30 ml की बोतल में अलग से ऊपर से फिर हम उसी बोतल में जिसमें हमने D6 बनाया है 2 ड्रॉप Y की और 2 ड्रॉप S2 की, Scrofuloxor 2 एंड Y की 2 ड्रॉप ऐड करके हम इसमें दे देंगे। S2 इसलिए ऐड मैं करा रहा हूँ इसमें ताकि कहीं अगर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसी नजर आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि अपर एब्डोमन में गैस बनने की वजह से वहां पे एक प्रेशर इफेक्ट हार्ट पे बन जाता है, उसकी वजह से भी पेल्पिटेशन और एंग्जाइटी जैसी चीजें लगने लगती है। माइग्रेन में आप इसको यूज कर सकते हैं, माइग्रेन में आप इसका D6 बनाएंगे या बहुत क्रोनिक है तो D10 बनाएंगे, फिर उसमें 1 ड्रॉप C1 की ऐड करेंगे, 1 ड्रॉप Y की ऐड करेंगे, 1 ड्रॉप VAR1 की और 1 ड्रॉप VAN1 की ऐड करेंगे, एक एक नहीं दो दो ड्रॉप, दो दो ड्रॉप आप इनकी ऐड करके और ये आप दे देंगे पेशेंट को माइग्रेन के लिए। आई साइट वीक है किसी की, मतलब देखने में कम हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चे जैसे कम होते जा रहे हैं, तो आप इसको D4 में बनाएंगे, EH3 को D4 में बनाएंगे और उसमें 4 ड्रॉप S5 की और 4 ड्रॉप S12 की और 4 ड्रॉप C5 की आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये जो है काम करेगा। बॉडी पेन है किसी को, न्यूरालजिक पेन है किसी को, उस सभी कंडीशन में आप इसमें, या स्पाज में कहीं पे, उस कंडीशन में आप इसमें इसको D6 में बनाएंगे, इसमें
फिर आप S5 की डालेंगे, फोर ड्रॉप S5 की, फोर ड्रॉप C5 की, फोर ड्रॉप RE, और फोर ड्रॉप आई उसमें ऐड करेंगे वर1 की, तो ये बॉडी पेन को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ऐसे एनीमिया की कंडीशन है, कहीं पे हीमोग्लोबिन कम नजर आ रहा है, तो आप इसको D4 में बना के और इसमें S5 की और S5 C4 B की 5 5 ड्रॉप ऐड करेंगे D3 से, तो ये काम करेगा। किसी को नी पेन है, शोल्डर पेन है, ठीक है, और या बैक पेन है, उस इन सभी कंडीशन में आप इसको D6 में बनाएंगे या D10 में बनाएंगे, और फिर उसमें 5 5 ड्रॉप ऐड करेंगे S5 की, 5 ड्रॉप C4 की, 5 ड्रॉप RE की, और लगभग 2 ड्रॉप ऐड करेंगे आप इसमें WE की। तो ये जो है, इन सभी टाइप की रोमेटिक कंडीशन है या गाउट रिलेटेड कंडीशन है, इन सब कंडीशन में ये लगभग सभी कंडीशन में एक ही फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर कहीं लगता है लिगामेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, बोन का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप C4 की बजाय C3 का उसमें आप यूज करेंगे। ऐसे ही पायरिया की कंडीशन में भी ये, पायरिया में खासकर जब ब्लड निकलता है, ठीक है ना, और एक तरीके से मुंह की कंडीशन थोड़ी खराब हो चुकी होती है, तब आप इसको D6 में बनाएंगे और C5 और G का इसमें यूज करेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन भी Y के साथ देना होता है, आप S10 के साथ देंगे, लेकिन वो अलग कॉम्बिनेशन है। फिलहाल जो हमें यूज करना है इसमें वो है इसको D6 में बना के 30 ml में, इसमें C5 की हम 5 ड्रॉप और G की 5 ड्रॉप डाल देंगे। लेकिन अगर उसको सेंसिटिवनेस भी है, फिर जी ऐड मत करिए आप, फिर आप उसमें W और Y ऐड कर दीजिए। D6 में बना के C5 की 5 ड्रॉप, Y की 5 ड्रॉप और W की 2 ड्रॉप ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे इसमें ये काम करेगा। किसी को ड्राई इचिंग हो रही है, ड्राई इचिंग में आप इसका D10 बनाइए या D30 बनाइए। D30 के लिए मैंने बता रखा है आपको, हालांकि साइंटिफिकली तो बहुत ऊपर जाके बनेगा, लेकिन फिर भी पेशेंट को देने के लिए हम 3 ड्रॉप के आसपास 30 ml में ऐड कर देंगे। फिर उसमें 1 ड्रॉप S5 की, 1 ड्रॉप C3 की, 1 ड्रॉप वेन 1 की और 1 ड्रॉप WE की ऐड करेंगे, तो ये ड्राई इचिंग में काम करेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन में आपको इसको D10 में बनाना है और इसमें 2 ड्रॉप S5 भी ऐड कर देंगे। लीवर पे काम करने के लिए हम चाह रहे हैं कि S5 भी इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनता तो वहीं पे, या फिर आप चाहें तो लीवर का कोई, आपके पास कोई प्रोटोकॉल है तो D5 में वो दे दीजिए, या कोई लीवर ड्रॉप है या कोई लीवर का सिरप वगैरह है तो वो साथ में चला दीजिए, इसको आप D10 में दे दीजिए। हाँ, वर1 जरूर ऐड कर देना इसमें, D10 में बना के उसमें 3 या 4 ड्रॉप D3 से वर1 की ऐड कर देना। कहीं पे नंबनेस दिख रही है आपको, ठीक है, नंबनेस की कंडीशन है, तो आप इसको D5 में या D6 में बनाइए। D6 में बना के इसमें S5 की 5 ड्रॉप ऐड कीजिए, C5 की 5 ड्रॉप ऐड कीजिए और WE की 2 ड्रॉप ऐड कीजिए, तो आप ये नंबनेस में काम करेगा। लो प्लेटलेट में आप इसको D4 में बनाइए और S5 C4 और B की 5 5 ड्रॉप आप ऐड कर दीजिए इसमें D3 से। इस टाइप से और भी बहुत सारे डिजीज है जहाँ पे ये काम कर सकता है, लेकिन ये तो मेन डेली प्रैक्टिस में आने वाली डिजीज है जो अभी आप देख रहे हैं। इतनी सारी डिजीज पे ये काम करता है और ये इतने भी पेटेंट है मेरे, खासकर EH1, 2, 3, 4, 5, ये सब ऐसे ही काम करते हैं। केवल 5 पेटेंट से EH1, 2, 3, 4, 5 और 1 D3 की किट, 5 पेटेंट और 1 D3 की किट से आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली डिजीज के साथ डेली रूटीन प्रैक्टिस के सारे डिजीज आप इनसे क्योर कर सकते हैं। इसमें एक ऑफर भी मैं अभी आप लोगों को दे सकता हूँ, आप लोग चाहें तो एक D3 किट और ये जो 5 पेटेंट है ये मंगा सकते हैं। हालांकि इन पेटेंट की जो वैल्यू है, जो MRP है, वो 300 रुपये रखा है मैंने पर पेटेंट, 300 रुपीज़, और D3 बेस है ये। अब आप देखिए ड्रॉप वाइज देना है, कितने दिन चलेगा एक पेटेंट, काफी दिन चल जाएगा, तो D3 है ये, और अगर हम देखें तो 1500 रुपये के बैठते हैं तीनों पेटेंट। लेकिन अभी अगर कोई D3 किट के साथ इनको परचेज करता है या फिर 10 बोतल कम से कम कोई मंगाता है, तो इसको मैंने 60% डिस्काउंट पे अभी चलाया हुआ है, लगभग 120 रुपये का एक पर पेटेंट आपको पड़ेगा। लेकिन अगर कोई D3 किट के साथ परचेज करना चाहे, तो D3 किट के साथ इनको केवल 90 रुपीज में मैंने रखा है, मतलब D3 किट जो उसकी वैल्यू रहेगी 1200 रुपये हमारी D3 किट की वैल्यू है, प्लस 90 रुपये पर पेटेंट आप उसको ले सकते हैं।
दूसरा 35 जो मेरे पेटेंट हैं अलग अलग, जिनका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था जिसमें अलग अलग डिजीज को ट्रीट करने के लिए पेटेंट बना रखे हैं। उसमें एक ऑफर अवेलेबल है अभी जो चली रहा है, आप उसमें एक D3 किट और सारे पेटेंट, 35 पेटेंट प्लस 38 मेडिसिन की D3 किट, ये दोनों मिला के 3600 रुपये में आपको मिल रहे हैं। तो 3500 3600 रुपये में आपको अगर मिल रहे हैं, तो आप देखिए अगर D3 किट की वैल्यू अलग निकाल दी जाए तो लगभग 90 रुपीज़ का आपको पर पेटेंट मिल रहा है, और बहुत अच्छा ऑफर है ये। लगभग जिनकी नॉर्मल प्रैक्टिस इनकी चलती है, 20-25 पेशेंट जो देखते हैं उनको 3 से 4 महीने तक ये अवेलेबल होगा। लगभग सारे डिजिट और 100% रिजल्ट वाले पेटेंट है, आप सब जानते ही हैं, मेरे फॉर्मुलेशन भी आप लोग यूट्यूब से और सब चीज़ों से देखते ही हैं। तो आप चाहें तो इसके लिए अवेल करा सकते हैं, और जैसा भी होगा आप मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, उस पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।